बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही आ रही है, जहां एनआईए ने 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें 27 जून को जम्मू में आईईडी बरामद की गई थी और एक छापेमारी उसी से जुड़ी हुई है। बाकी की छापेमारी लश्कर ए मुस्तफा से जुड़े मामलों में की जा रही है। आपको बता दें शोपियां, अनंतनाग, बनिहाल, सुंजवान में ये छापेमारी फिलहाल चल रही है। तो एनआईए की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। 27 जून को जम्मू में आईईडी बरामद की गई थी और इसके बाद ये छापेमारी उसी से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश तिवारी और साथ ही आसिफ कुरैशी भी है। ओम प्रकाश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, एनआईए की ये छापेमारी किन मामलों को लेकर के है, सबसे पहले दर्शकों तक ये बताएं। शिखा, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने बताया कि आईईडी बरामद हुई थी, 5 से 6 किलोग्राम की आईईडी बरामद हुई थी और उसमें नरवाल से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था। उस शख्स को 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाया गया था और उससे पूछताछ के बाद 2 अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ये मामला एनआईए को जांच के लिए हैंड ओवर कर दिया गया था। आरंभिक जांच के दौरान ये पता चला था कि इन लोगों के पास से जो आईईडी बरामद हुई थी, जिसमें 5 से 6 किलो विस्फोटक था, वो संभवतः ड्रोन से ही ड्रॉप किया गया था और उसके पहले ड्रोन से चूंकि हमला हो चुका था जब वो एयरबेस स्टेशन पर, लिहाजा उसके तार उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब इन लोगों से पूछताछ के बाद जो जानकारी उपलब्ध हुई थी उसके आधार पर एनआईए ने आज एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। साथ ही लश्कर ए मुस्तफा नाम का एक आतंकवादी संगठन, जो बेसिकली मैं आपको बता दूं सिखा, नाम चेहरे बदलते हैं लेकिन पीछे मुखौटा वही रहता है, आईएसआई ने एक नया नाम दिया है, लश्कर ए मुस्तफा। ये बताया गया है कि आतंकवादी संगठन, इसको वहां पर टेरर फंडिंग की जा रही है और टेरर फंडिंग के जरिए ये जो आतंकवादी संगठन है वो आने वाले महीने में कुछ बड़ी वारदातें कर सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन एनआईए के पास है। लिहाजा उससे जुड़ी कुछ पुख्ता सूचनाओं के आधार पर एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर एनआईए छापेमारी कर रहा है सिखा। ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ आसिफ कुरैशी भी लगातार जुड़े हुए हैं श्रीनगर से, जो अलग अलग मुद्दों पर हमसे बातचीत कर रहे हैं। आसिफ, टेरर फंडिंग को लेकर के जिन आतंकियों को पकड़ा गया है, उनसे क्या बातचीत हुई और क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए शिका, ये जो मामला है ये जून और उससे पहले का है। जून महीने में जो ड्रोन से जम्मू में एक आईडी ड्रॉप की गई थी, आपको याद होगा कि जिस समय एयरपोर्ट पर, एयरफोर्स स्टेशन पे आईडी से हमला किया गया था, उसके उसी दिन जम्मू के सुजवा इलाके से एक संदिग्ध को पकड़ा गया था जिसके पास से 5 किलो आईडी मिला था। और उससे पहले जम्मू में एक ड्रामेटिक ऑपरेशन में हिदायतुल्ला नाम के एक मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने पकड़ा था, जो अपने आप को लश्कर मुस्तफ़ा का चीफ बताया जाता है। दोनों ही मामलों में पकड़े गए जो संदिग्ध थे, उनका कनेक्शन अनंतनाग और शोपियाँ से, और इसीलिए उनके फंड्स की जांच करते हुए सुरक्षा एजेंसियां यानी एनआईए अब अनंतनाग और शोपियां पहुंची हैं उन ठिकानों पर छापेमारी के लिए और वहां से कागजात हासिल करने के लिए, जहां से ये माना जा रहा है कि इन दोनों मिलिटेंट्स का कनेक्शन है। मैं बता दूं कि भले ही आईडीज जम्मू में बरामद हुई हो, लेकिन इनका जो स्रोत था वो दक्षिण कश्मीर ही रहा है और दोनों ही मामलों में दक्षिण कश्मीर का नाम सामने आया था। और हिदायतुल्ला ने अभी साफ बता दिया था कि किस तरीके से शोपियां में सक्रिय मिलिटेंट्स के साथ उनका संपर्क था और किस तरीके से उसको जम्मू में बेस बनाने की को जो मिशन दिया गया था, ताकि वहां से देश के विभिन्न हिस्सों में खासतौर पर पंजाब और दिल्ली को निशाना बनाने की साजिश रची जा सके। और जो दूसरा मामला जो जून में एयरफोर्स स्टेशन का हुआ था, उसमें भी ये बात आई थी कि जो लड़का आईडी के साथ पकड़ा गया था वो शोपियां से ही कनेक्टेड था, इसीलिए उसी के जानकारी के आधार पर उसी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और इस टेरर फंडिंग मॉड्यूल को बस्ट करने की कोशिश की जा रही है एनआईए की तरफ से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए, जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ABP News, आपको रखे आगे।